कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। फिलीपींस मामले में भारत भी कूद गया है और भारत ने अब क्या कहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने अमेरिका नहीं बल्कि भारत को चुना है। जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी हाल ही में खबर आई थी, हमने देखा फिलीपींस में चाइना और फिलीपींस का फेस ऑफ हो रहा है। दोनों की नौसेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है और वो भी हमने देखा कि एक जर्जर जहाज के लिए, वो जर्जर जहाज जो फिलीपींस के लिए नाक का सवाल बन गया है। अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना को भला बुरा भी सुनने को मिला कि चाइना को वाटर कैनन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए फिलीपींस के बोट के ऊपर। अगर फिलीपींस के बोट वहां पर खड़े हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत खड़े हैं। और सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले अमेरिका आया। अमेरिका ने एक बयान दिया और आधिकारिक तौर पर बयान दिया, कहा कि अगर चाइना आगे बढ़ता है तो फिर हमें आर्टिकल 4 एक्टिवेट करना पड़ेगा और आर्टिकल 4 अगर एक्टिवेट होता है तो अमेरिका जंग के लिए उतरेगा। ये जो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता हैं मैथ्यू माइलर, इन्होंने इस बात को कहा कि भैया अगर पब्लिक वेसल एयरक्राफ्ट पर तुमने हमला किया तो ये हमला हमारे जो म्यूचुअल डिफेंस कमिटमेंट है उसके ट्रीटी के अंदर आ जाएंगे, फिर हम तुम पर हमला करने के लिए विवश हो जाएंगे। शुरुआती दौर में भारत ने इस मामले में एक ही बयान दिया था और भारत ने इस मामले में कहा था कि मामला जो है तुम दोनों के बीच का, उसे शांति से सुलझा लो और इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत सुलझाना चाहिए। जो कोर्ट ने नियम बनाए हैं उस नियम के आधार पर इसे सुलझाना चाहिए, कहने का अर्थ साफ है। क्योंकि कोर्ट ने तो यही कहा था कि ये जो इलाका है, ये इलाका है फिलीपींस का और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत तुम 4000, 5000, 10000 साल पुराने मैप दिखलाकर ये नहीं कह सकते हो कि ये जगह हमारी है और हमें दे दो। एक बार फिर जब भारत से सवाल किया गया कि इस मामले में भारत की क्या राय है, तो भारत ने अपनी यही राय बताई है कि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से दोनों के बीच में सुलह हो जानी चाहिए, झगड़ा और ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। खैर, जहाँ फिलीपींस मामले में भारत इंटर कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत को चुन लिया है ताइवान ने। ऐसी बातें क्यों कही जा रही है, एक तो भारत ने चौंका दिया। अभी आप देखेंगे धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरों में लगातार आ रहा है कि भारत के तीनों पूर्व सेना अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे और ये चीज़ अब चर्चा का विषय बन रही है। क्यों बन रही है, क्योंकि पहले से तो समझ में ही इन लोगों को नहीं आया कि भारत क्या कर रहा है। वैसे तो भारत ने चाइना पॉलिसी को कभी भी विरोध नहीं किया है और न ही भारत ने आधिकारिक तौर पर कभी भी संबंध स्थापित किए ताइवान के साथ। कोई डिप्लोमेटिक संबंध ताइवान का भारत का नहीं है, लेकिन अब जो चीज़ें कही जा रही है वो चीज़ें चाइना के कान खड़े करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि तीनों सेना अध्यक्ष वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद जो हमारे सेना अध्यक्ष थे उन्होंने खुलकर बातें कही है कि ताइवान पर हमला जो अगर होगा तो इस हमले का भारत पर भी असर पड़ेगा, ताइवान के ऊपर हमले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो वहीं ताइवान धीरे धीरे चीज़ों को बदल रहा है। अमेरिका के लिए ताइवान क्यों महत्वपूर्ण है, भारत के लिए तो चलो भारत के पास दो कारण हैं। ताइवान के से ढेर सारे सेमीकंडक्टर आते हैं, हमारा फैक्ट्री चलता है, हमारी सारी चीज़ें चलती है। अमेरिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अमेरिका के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका समझता है इसके पास सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा खजाना है TSMC। इसके पास सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा खजाना है TSMC और UMC। ये दोनों ही कंपनियां अमेरिका ने कथित तौर पर कई बार ताइवान को कहा कि अगर हमला होता है उससे पहले आप हमारे यहाँ इसे शिफ्ट कर लो, लेकिन ताइवान इसके लिए तैयार नहीं हुआ। आप समझ लीजिए कि जी जान की कोशिश अमेरिका ने लगाई होगी कि किसी भी तरीके से ऐसा हो जाए, पर ऐसा संभव होता हुआ नहीं दिखा। पर अब
कुछ चीज़ें दिख रही है जो ताइवान और भारत में हो रही हैं, पहले इन चीज़ों को नहीं देखा गया था। ताइवान और भारत एक एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं, मिंट की रिपोर्ट तो यही कह रही है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस मिंट की रिपोर्ट के अनुसार ताइवान और भारत में जो एग्रीमेंट होगा वो होगा माइग्रेशन को लेकर, मोबिलिटी को लेकर। अब इस एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? इस एग्रीमेंट का मतलब है कि जो स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, जो सीखे साखे हुए एक्सपर्ट लोग हैं, इनको, टेक्नोलॉजी वाले इंडस्ट्री को, ये एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। वैसे ये एग्रीमेंट कई सेक्टर में हो रहा है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में। ताइवान की स्किल किस चीज़ में बहुत ज़्यादा मजबूत है? सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी। और भारत में क्या है? भारत में एक बड़ा टेक्नोलॉजी टैलेंट है जो हमारे यूथ हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि किस तरीके से सर्विस के मामले में भारत काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ताइवान का ये माइग्रेशन एग्रीमेंट भारत के काम आएगा। वैसे आपको बता दें, भारत और जर्मनी में भी इसी तरीके के माइग्रेशन एग्रीमेंट बने हैं, ताकि जो स्किल्ड लोग हैं, जिन लोगों के पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, बाकी चीज़ों का ज्ञान है, ये एक दूसरे की जगहों पर आ सकें, रह सकें। वैसे आपको बता दें, भारत ये कदम उठाकर बहुत बड़ा रिस्क तो ज़रूर ले रहा है, क्योंकि जिस खजाने के चक्कर में चाइना पड़ा हुआ है, उस खजाने को ही एक तरीके से भारत हथियाने के चक्कर में है। वैसे आप सोचेंगे ये शायद इनिशियल स्टेज पर होगा। जी नहीं, अभी हाल की रिपोर्ट कहती है, इसी मिनट में इस बात को डिटेल में दिया गया है कि TSMC और UMC इसने भारत को विजिट किया है। ये यहाँ पर आए हैं और ये आकर यहाँ पर इन्होंने देखा है कि सेमीकंडक्टर, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री के क्या हाल है भारत में। खैर, कहते हैं जुलाई महीने में इसी साल वो यहाँ पहुँचे थे। TECC यानी कि ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर मुंबई में ओपन हुआ तीसरा, और यहाँ पर इन्होंने अब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नए नए अवसर तलाशने शुरू कर दिए हैं कि ताइवान और भारत में क्या क्या आगे हो सकता है। खैर, इस वक्त भारत में ताइवान की कोई एम्बेसी नहीं है, लेकिन ताइवान का इकोनॉमिक और कल्चर सेंटर है दिल्ली में, अब ये खुल चुका है। दिल्ली के बाद मुंबई भी इनके हाथ लग चुका है। कहने का अर्थ ये है कि भारत और ताइवान के बीच में एक पक्की वाली जोरदार गठजोड़ चल रही है जो आने वाले समय में दिखेगी। खैर, आपको क्या लगता है, ताइवान के साथ इन संबंधों से चाइना भड़केगा तो जरूर? वैसे आपको क्या लगता है, ताइवान के साथ भारत जो इन संबंधों को बढ़ा रहा है, क्या ये सही कर रहा है और भविष्य के हिसाब से ये बिल्कुल सही रणनीति है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।